Student, welcome to FA online classes. Student, today in this video we are going to do chapter number 6 of class 4th computer. Of the chapter is introduction to PowerPoint 2010, which is given at page number 54. Student, this is your page number 54, chapter number 6. The name of the chapter is introduction to PowerPoint 2010. PowerPoint 2010 का इंट्रोडक्शन यानी इसका परिचय, इसके बारे में, PowerPoint के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आज हम इसमें प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। एमएस PowerPoint जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया एक क्या है, एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक है। यानी इसको किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ये एमएस ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है। किस चीज के लिए, कि हम जो अपने आइडियाज और इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे आइडियाज और इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए ये सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है। इसमें कई सारे रेडीमेड फीचर्स होते हैं जिससे कि आप एक प्रेजेंटेशन को क्विकली इजीली यानी जल्दी से और आसानी से उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है, चलिए इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन एक टॉपिक की कंटेंट का सिस्टमेटिक डिस्प्ले है। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें शामिल होती हैं टेक्स्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, मूवीज, साउंड, स्पेशल इफेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं जिनको कि क्या कहते हैं, ये कई सारे पेजेस से मिलकर बना होता है, इसको स्लाइड्स कहते हैं। और स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में होती है, इंफॉर्मेशन इसमें टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज, साउंड और वीडियोस की फॉर्म में इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो रहती है। और इनको एमएस पावर पॉइंट फीचर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज और इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जब ये स्लाइड्स एक के बाद एक सीरीज में दिखाई जाती हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इनको स्लाइड शो ऑफ द प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो इनको कहा जाता है, जब इन्हें एक के बाद एक सीरीज में दिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के क्या क्या यूजेज होते हैं, उनको कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, चलिए अब इस बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है उसका यूज किया जाता है किस चीज के लिए, व्यापक रूप से और प्रभावी रूप से जो व्यूज और आइडियाज हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए। यानी प्रेजेंट करना यानी पेश करना या प्रस्तुत करना जिसको बोलते हैं, कि उनको प्रेजेंट करने के लिए आइडियाज और व्यूज को प्रभावी रूप से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है। और सेकेंड है कि बिजनेस वर्ल्ड में जो लोग होते हैं वो इसको यूज करते हैं क्या प्रेजेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन, किसके बारे में वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट होते हैं कंपनी के, और फिर किसमें ये वो करते हैं प्रेजेंट, सेमिनार में और मीटिंग्स वगैरह में। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि टीचर्स जो हैं वो अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए इस प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करके आप जो है वो ऑडियंस पर यानी दर्शकों पर एक इम्पैक्ट, विजुअल इम्पैक्ट यानी असर जो है वो एक अपना प्रभाव क्रिएट कर सकते हैं, उन पर अपना एक असर छोड़ सकते हैं। स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट, यहाँ पर अब हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2010 को स्टार्ट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप यहाँ पर चार बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर सेकेंड स्टेप में आपको ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है। और थर्ड स्टेप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करना है। और फिर लास्ट जो फोर्थ स्टेप बताया गया है इसमें आपको क्लिक करना है कहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पिक्चर में भी चार स्टेप दिखाए गए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप जो है पावर पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जब आपका
स्टार्ट हो जाएगा 2010, तो उसके में क्या होगा, फिर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन जिसका नाम प्रेजेंटेशन होगा वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाएगा, जैसा कि वो अपीयर हो जाएगा, आपको नजर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। यहाँ पर अब हम पावर पॉइंट विंडो के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक तरीके से हम इसके पार्ट्स कह सकते हैं, किन किन से पार्ट से मिलकर जो पावर पॉइंट विंडो है वो बनी होती है, उसमें शामिल होते हैं। पावर पॉइंट विंडो में नीचे लिखे हुए कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे फर्स्ट यहाँ पर दिया है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, ये प्रोग्राम के नाम को यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन नेम को क्या करता है, ये डिफॉल्ट रूप से दिखाता है। सेकेंड है क्विक एक्सेस टूल बार, ये कस्टमाइजेबल टूल बार है जो प्रेजेंट होता है टाइटल बार पर, और इसमें अक्सर यूज किए जाने वाले यानी बार बार और अक्सर यूज किए जाने वाले ऑप्शन होते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर बताया है रिबन। रिबन क्या होता है, टाइटल बार के बिल्कुल ठीक नीचे रिबन होता है जो दिखाते हैं अलग अलग कई तरह के जो पावर पॉइंट कमांड्स हैं जो कैटेगराइज्ड होते हैं किसके अंडर, टैब्स और ग्रुप्स के अंडर। फाइल टैब, ये टैब जो होता है वो एक्सेस देता है, मतलब हमारी पहुंच को बनाता है, हम कहां तक इसके जरिए पहुंच सकते हैं। फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होते हैं जैसे कि न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्यू बटन्स, ये यूज होते हैं डिस्प्ले करने के लिए, जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स होती हैं उनको अलग अलग व्यू में प्रेजेंट करने के लिए। और स्लाइड पेन होता है, स्लाइड पेन क्या होता है, ये लार्जेस्ट एरिया, ये सबसे बड़ा एरिया होता है स्क्रीन पर जहां पर जो इंडिविजुअल स्लाइड्स होती है वो क्रिएट होती है। स्लाइड्स आउटलाइन टैब्स, लेफ्ट साइड पे स्लाइड के पेन के हमें क्या, हमारे पास क्या होती है, स्लाइड्स होती है और आउटलाइन टैब्स होते हैं। अब स्लाइड टैब क्या शो करता है, स्लाइड टैब शो करता है थंबनेल वर्जन को हर स्लाइड के, और आउटलाइन टैब जो होता है वो शो करता है जो टेक्स्ट कंटेंट होता है ईच स्लाइड यानी हर स्लाइड का प्रेजेंटेशन में। नोट्स पेन, ये लास्ट पॉइंट है, और ये एरिया जो होता है ये स्लाइड पेन के अंडर होता है और यूज किया जाता है क्या टाइप करने के लिए, जो प्रेजेंटर्स नोट होते हैं, प्रेजेंटर्स के जो नोट्स होते हैं उनको टाइप करने के लिए ये वाला एरिया यूज किया जाता है। देखिए क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, अगर नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे, चलिए इस बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, बता रहे हैं कि प्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड्स का एक कलेक्शन है, और स्लाइड क्या है, स्लाइड जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज की तरह ही होती है, उसी के सिमिलर होता है स्लाइड। और एक स्लाइड के अंदर आप क्या ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट और ग्राफिक्स, टेक्स्ट और ग्राफिक्स को आप एक स्लाइड के अंदर ऐड कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन में आप क्या ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में आप नंबर ऑफ स्लाइड्स यानी स्लाइड्स के नंबर जो हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। अब नए प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए जो बेस्ड होता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट पर, आपको नीचे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट यहाँ पर बताया गया, आपको सबसे पहले क्लिक करना है फाइल टैब पर, फिर स्टेप सेकंड में आपको क्लिक करना है न्यू ऑप्शन पर, और वहां से सेलेक्ट करना है फिर क्या, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। फिर स्टेप थर्ड में क्लिक करना है आपको क्रिएट बटन पर, और जो लोकेटेड है ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो, विंडो के राइट साइड पर लोकेटेड है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया है, सबसे पहले इन्होंने फाइल जो टैब है उस पर क्लिक किया है, उसके बाद न्यू ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक किया है, और यहाँ से इन्होंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन है उसको सेलेक्ट किया है, फिर उसके बाद ये क्रिएट वाला बटन है उस पर क्लिक किया है, तो यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन ये दिखाया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड, स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट को ऐड करना, किस तरीके से हम स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। टू ऐड टेक्स्ट इनसाइड द प्लेस होल्डर फॉलो दीज स्टेप्स, प्लेस होल्डर के अंदर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए नीचे जो स्टेप्स लिखे हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं कौन से स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट है यहाँ पर, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर पर आपको क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, क्लिक टू ऐड टाइटल इस पर प्लेस होल्डर पर आपको क्लिक करना है। स्टेप सेकंड में क्या करना है, कर्सर जो है फिर आपका अपीयर हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर,
फिर वहां पर आपको टाइप करना है कंप्यूटर डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, जब आपका कर्सर अपीयर हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स में तो आपको क्या टाइप करना है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। फिर इसे थर्ड में क्लिक करना है, कहाँ पर, क्लिक टू एड सबटाइटल प्लेस होल्डर पर, और वहां से आपको टाइप करना है लर्निंग विद फन। और फिर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जो एंटर टेक्स्ट है वो स्लाइड के ऊपर अपीयर हो जाएगा, आपको नजर आएगा, प्रकट हो जाएगा। देखिए पहले इन्होंने कंप्यूटर डिपार्टमेंट को टाइप किया है, फिर उसके बाद टाइप किया है लर्निंग विद फन, तो दोनों ही चीजें यहाँ पर एंटर हो रही है, आपकी अपीयर हो रही है, सॉरी नजर आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को सेव करना। प्रेजेंटेशन को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये बहुत जरूरी होता है कि जो हमारा वर्क होता है उसको हम रेगुलर इंटरवल पर सेव करें। ऐसा किस लिए किया जाता है, ऐसा क्यों जरूरी है, ताकि जो डाटा लॉस होता है उससे हम बच सकें, यानी हमारा डाटा लॉस नहीं हो। और डाटा लॉस किस वजह से होता है, यहाँ पर बताया गया कि जैसे कि हार्डवेयर है और पावर फेलर की वजह से अगर कभी आपका डाटा लॉस हो जाए या लॉस ना हो, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपना जो वर्क है वो रेगुलर इंटरवल पर सेव करें। अब अपने जो प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। स्टेप फर्स्ट में बताया गया है, क्लिक करना है सबसे पहले आपको सेव बटन पर, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, क्विक एक्सेस टूल बार पर, और सेलेक्ट करना है फिर वहां से फाइल टैब या सेव ऑप्शन, फिर सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो आपका अपीयर हो जाएगा, वो नजर आएगा। फिर स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, नाम को स्पेसिफाई करना है माय प्रेजेंटेशन फाइल नेम में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, और फिर क्लिक करना है किस पर, सेव बटन पर। और स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी फिर सेव हो जाएगी नाम के साथ, क्या नाम के साथ, माय प्रेजेंटेशन एंड विद और एन एक्सटेंशन PPTX, और एक एक्सटेंशन है यहाँ पर PPTX बताया गया, उसके साथ आपके जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजिंग एंड एग्जिटिंग अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन से किस तरीके से हम एग्जिट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइल टैब है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर वहां से आपको सेलेक्ट करना है क्लोज ऑप्शन, क्लोज ऑप्शन आपको नजर आएगा। उसके बाद जब आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको उसको क्लोज ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी फिर क्लोज्ड हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन है, विंडो है, वो अभी भी आपकी ओपन रहेगी, यानी खुली रहेगी। मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो तो क्लोज हो जाएगी, लेकिन जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो है वो आपकी खुली रहेगी। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिखा हुआ है, सबसे पहले उन्होंने फाइल टैब पर क्लिक किया है, फिर यहाँ से सेलेक्ट किया है क्लोज ऑप्शन, और उसके बाद यहाँ पर जब प्रेजेंटेशन विंडो है वो क्लोज हो गई, तो उसके बाद आपकी जो ये पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो है ये अभी भी ओपन हुई हुई दिखाई दे रही है। टू एग्जिट द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से एग्जिट करने के लिए स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, क्लिक करना है आपको टाइटल बार पर, और यूज करना है फिर आपको ऑल्ट प्लस F4 की कॉम्बिनेशन को आपको यूज करना है क्लिक क्लोज बटन पर क्लिक करने के बाद। सेव प्रेजेंटेशन, एक सेव प्रेजेंटेशन को ओपन करना कि किस तरीके से अगर कोई प्रेजेंटेशन सेव है तो उसको हम ओपन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए नीचे जो दिए गए स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा आपको। स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है, और फिर उसके बाद क्लिक करना है आपको ओपन पर। फिर स्टेप सेकंड में जो ओपन डायलॉग बॉक्स है लेफ्ट पेन में, वहां पर क्लिक करना है ड्राइव और फोल्डर पर, जिसमें कि वो प्रेजेंटेशन कंटेंट होती है, मौजूद रहती है, जो आप चाहते हैं, जिसको आप मतलब ओपन करना चाहते हैं। स्टेप थर्ड में राइट पेन जो होता है ओपन डायलॉग बॉक्स, वहां पर आपको ओपन करना है फोल्डर को, उस फोल्डर को जिसमें कि जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी कंटेंट है, मौजूद है। फिर स्टेप फोर्थ में क्लिक करना है आपको प्रेजेंटेशन पर, और उसके बाद क्लिक करना है फिर ओपन पर। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, फाइल नेम दिखाया हुआ है माय प्रेजेंटेशन, इस पर इन्होंने फिर क्लिक किया है, तो यहाँ पर माय प्रेजेंटेशन नाम आ गया है, यहाँ पर डेट वगैरह दी है, और यहाँ पर इसका टाइप भी दिया है।
तो इस तरीके से लास्ट में फिर ओपन जो ऑप्शन आएगा फाइल को ओपन करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग न्यू स्लाइड्स टू अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन में किस तरीके से हम नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। नई स्लाइड को ऐड करने के लिए स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, आपको उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिसके बाद आप नई स्लाइड को ऐड करना चाहते हैं। फिर स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, स्टेप सेकंड है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो नई स्लाइड है उसका सेम लेआउट हो, यानी जिस तरीके से पहले वाली का लेआउट था, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई वाली का भी वही लेआउट हो, तब आपको क्या करना है, होम टैब पर स्लाइड ग्रुप में क्लिक करना है आपको न्यू स्लाइड बटन पर। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये पहले इन्होंने स्लाइड वन जो है सिलेक्ट हुई हुई है यहाँ पर हमारी, और उसी के जैसा सेम लेआउट यहाँ पर दिखाया गया है, तो इतने ही पोर्शन में ये स्लाइड टू इन्होंने सेलेक्ट कर ली है, ऐड कर ली है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई स्लाइड दूसरी किसी और स्लाइड लेआउट पर बेस्ड हो, तब क्या करना है आपको, ऑन द होम टैब में क्लिक करना है आपको न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन एरो पे, जो दिखाएगा आपको जो अवेलेबल लेआउट्स होंगे, जो भी मतलब आपके लेआउट्स उपलब्ध होंगे उनको डिस्प्ले करेगा, वो दिखाएगा होम टैब पर जब आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिखा हुआ है, ये अलग अलग टाइप की यहाँ पर स्लाइड्स दिखाई गई हैं। यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन वाली को सिलेक्ट किया है, तो फिर यहाँ पर ये आपकी कंपैरिजन वाली स्लाइड जो है वो नजर आ रही है। फिर लास्ट में क्लिक करना है आपको जो भी डिजायर्ड स्लाइड लेआउट है, यानी जो भी आप स्लाइड लेआउट को चाहते हैं, पसंद करते हैं, जो भी आपकी इच्छा है उस पर आपको क्लिक करना है। पावर पॉइंट फिर क्या करेगा, पावर पॉइंट एक नए स्लाइड को सिलेक्टेड लेआउट के साथ स्लाइड पेन में ऐड कर देगा, और जो नई स्लाइड होगी वो देखी जा सकेगी किसमें, स्लाइड नेविगेशन पेन में, कहाँ पर मौजूद होता है, लेफ्ट में। शो एमएस पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है, हमें उपलब्ध कराता है बहुत सारे जो स्लाइड्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, उनके कंबाइनिंग को ये ऑप्शन को ये प्रोवाइड करता है, किसमें, स्लाइड शो में। और ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से जैसे एक फोटो एल्बम होती है, यानी एल्बम में फोटो जो है पिक्चर उसमें लगी होती है फोटो एल्बम में, इसी तरीके से स्लाइड शो भी होता है। और ये डिस्प्ले करता है, दिखाता है सभी स्लाइड्स को एक प्रेजेंटेशन में वन बाय वन, यानी एक एक करके ऑन द स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर टू वेज बताए गए हैं, दो तरीके बताए गए हैं स्लाइड शो को व्यू करने के, देखने के। मेथड फर्स्ट है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको स्लाइड शो टैब पर, और क्लिक करना है फिर वहां से फ्रॉम बिगिनिंग ऑप्शन पर, फिर आप वहां से प्रेस कर सकते हैं, आपको क्या प्रेस करना है, F5 की ऑन द कीबोर्ड से, और फिर स्टार्ट करना है स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड से। सेकंड मेथड दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको स्लाइड शो बटन पे, कहाँ पर, स्टेटस बार पर। फिर उससे क्या होगा, जो करंट स्लाइड होगी, करंट स्लाइड से जो ये है ये स्लाइड शो दिखाना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपको जो है वो स्लाइड शो जो है वो दिखाना स्टार्ट हो जाएगा करंट स्लाइड से। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए इसका बुक वर्क देखते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर पार्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको तीन तीन ऑप्शन दिए हैं, उस पर जो सही आंसर है आपका उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिया है एमएस पावर पॉइंट इज यूज टू, एमएस पावर पॉइंट को यूज किया जाता है किस के लिए, यूज किया जाता है किस काम में आता है वो। ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, बी है क्रिएट प्रेजेंटेशन, सी है क्रिएट ड्राइंग। तो इसका भी ऑप्शन सही है, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए एमएस पावर पॉइंट का यूज किया जाता है, इस पर टिक लगाएंगे आप। सेकेंड है द डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑन स्लाइड इज कॉल्ड, स्लाइड के ऊपर जो डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, इमेज बॉक्स, प्लेस होल्डर। सी ऑप्शन सही है आपका, प्लेस होल्डर कहते हैं उसको, इस पर टिक लगाएंगे। थर्ड है विच फंक्शन की इज यूज टू रन द स्लाइड शो, इसमें आपको बताना है कि कौन से फंक्शन की का यूज किया जाता है स्लाइड शो को रन करने के लिए। ऑप्शन में आपकी F2, F4, F5। सी ऑप्शन सही है आपका, इस पर टिक लगाएंगे।
फोर्थ में क्या है, फोर्थ में द डैश कंटेंट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ए बी सी में से आपको यहाँ पर फिल करना है जिसमें कि कंटेंट होता है फ्रीक्वेंटली यूज कमांड। रिबन है, टैब है और क्विक एक्सेस टूल बार है, तो सी ऑप्शन सही है आपका। इस पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर आप इसको फिल भी करेंगे। और लास्ट फिफ्थ है आपका द डैश शोज अ थंबनेल वर्जन ऑफ ईच स्लाइड, हर स्लाइड का थंबनेल वर्जन को शो करता है, दिखाता है। कौन सी चीज है इसमें बताइए, ए बी सी तीन ऑप्शन है यहाँ पर। स्लाइड टैब दिखाता है, स्टेटस बार है, स्लाइड्स, नेविगेशन पेन। तो इसका ए ऑप्शन सही है, स्लाइड टैब में थंबनेल वर्जन जो होता है हर स्लाइड का वो शो होता है, दिखाता है। इस पर टिक लगाएंगे आप ए में। बी पार्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको आपको फिल करना है। यहाँ पर हिंट बॉक्स भी दिया है, इन वर्ड्स की हेल्प से आप यहाँ पर इसको फिल करेंगे। जैसे फर्स्ट है, देश इज द लार्जेस्ट एरिया ऑन द स्क्रीन वेयर इंडिविजुअल स्लाइड्स आर क्रिएटेड, ये सबसे बड़ा एरिया होता है स्क्रीन पर जहाँ पर इंडिविजुअल स्लाइड जो होती है वो क्रिएट होती है। यहाँ से देखेंगे, मैंने नंबर भी डालूंगा, फर्स्ट में स्लाइड पेन फिल करेंगे आप। सेकेंड है, अ डैश इज अ बॉक्स विद डॉटेड बॉर्डर प्रेजेंट ऑन द स्लाइड, सेकेंड में मैंने नंबर डाला है, आप यहाँ पर फिल करेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर जो होता है वो एक बॉक्स होता है डॉटेड बॉर्डर पर जो प्रेजेंट होता है स्लाइड। थर्ड है, न्यू स्लाइड बटन इज प्रेजेंट इन द डैश ग्रुप, न्यू स्लाइड बटन जो होता है वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, मौजूद होता है, इसको फिल करना है आपको थर्ड में स्लाइड। फोर्थ है, डैश बटन्स आर यूज टू डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन स्लाइड इन डिफरेंट व्यूज, कौन से बटन का यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए जो प्रेजेंटेशन स्लाइड से अलग अलग व्यूज में। फोर्थ में भरेंगे आप यहाँ पर व्यू बटन्स। फिफ्थ है लास्ट, डैश की कैन बी यूज टू रन द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए कौन सी की का यूज किया जा सकता है, ये फिफ्थ है आपका, इसमें आप फिल करेंगे F5 की का यूज किया जाता है, F5 यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे फिल करेंगे। T4 true एंड F4 false, ट्रू के लिए आपको T लिखना है और फॉल्स के लिए आपको F लिखना है, यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं उसके अंदर। फर्स्ट ऑन स्टार्टिंग पावर पॉइंट अब ब्लैक प्रेजेंटेशन नेम स्लाइड appears on the screen, ये आपका फॉल्स है, F भरेंगे। सेकेंड है, द रिबन कंटेन मेनी टैब्स, ट्रू है आपका, T फिल करेंगे इसमें। थर्ड है, द आउटलाइन टैब शोज ओनली द टेक्स्ट रिटन इन अ स्लाइड, ये भी सही है आपका, टी लिखेंगे। फोर्थ है, वी कैन नॉट एड मेनी स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फॉल्स है, एफ लिखेंगे इसके लिए। फिफ्थ है, टू क्लोज पावर पॉइंट एप्लीकेशन क्लिक ऑन द फाइल टैब क्लोज ऑप्शन, ये भी सही है, टी लिखेंगे इसके लिए। डी पार्ट है, मैच द फॉलोइंग, नीचे आपको मैचिंग करनी है, देखिए फर्स्ट है टाइटल बार, इसको मैच करेंगे आप किससे, मैंने इनके सामने ऑप्शन आपके लिख दिए हैं, इसको आप मैच करेंगे डी पार्ट से। डी में क्या है देखिए, इसको लाइन खींचकर इस तरीके से आपको मिलाना भी है। टाइटल बार के साथ आएगा डिस्प्लेस द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट के नाम को दर्शाता है, दिखाता है। सेकेंड है फाइल टैब, इसको मैच करेंगे आप ई पार्ट से, ई का है ये वाला। इट गिव्स ऑल द ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम सिंगल एरिया। थर्ड है रिबन, इसको मैच करेंगे आप ए पार्ट से। कंटेन्स द कॉमनली यूज्ड कमांड्स। फोर है स्लाइड एरिया, इसको मैच करेंगे आप बी से। इट इज अ वर्किंग स्पेस इन द मिडिल। और फिफ्थ है प्लेस होल्डर, इसको मैच करेंगे आप सी से। द एरिया वेयर यू हैव अ डैश्ड बॉर्डर। ए बी सी और डी पार्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। ई पार्ट है आपका लास्ट पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे आपके फोर क्वेश्चंस लिखे हैं उसके आपको आंसर लिखने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन है आपका, व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन इट्स यूजेस, प्रेजेंटेशन क्या है और उसके जो यूजेस हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर है पेज नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए जो स्टेप्स हैं आपको उसको यहाँ पर लिखना है, ये पेज नंबर 56 पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द स्टेप्स टू सेव अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप्स का यूज किया जाता है वो आपको यहाँ पर लिखना है, पेज नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, राइट द स्टेप्स टू ओपन अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए
जो स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये पेज नंबर 59 और 60 पर आपके दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। पहले यहाँ से यहाँ प्रेजेंटेशन के बारे में लिखेंगे, प्रेजेंटेशन क्या होता है, और ये वाला भी इसी का पार्ट है। फिर आप इसके प्रेजेंटेशन के जो यूजेज होते हैं उसके बारे में लिखेंगे, ये सारे पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। यहाँ से 2 क्रिएट से लेकर लास्ट में यहाँ तक लिखेंगे आप राइट साइड ऑफ द विंडो। प्रेजेंटेशन जो नए प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो इसका आंसर है आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, लिखना है आपको। और लास्ट में PPTX तक आप लिखेंगे, प्रेजेंटेशन को सेव करने के जो स्टेप्स हैं वो लिखने हैं आप। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। 2.59 पर भी है और इसका बाकी का पार्ट 60 पेज पर भी है। इसमें आपको 54 तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ तक आंसर आप इसमें राइट करेंगे, लिखेंगे। बुक वर्क जो मैंने बताया था आपको, ABCD पार्ट जो है वो आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे, और बाकी ई पार्ट जो है क्वेश्चन आंसर वाला वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ चैप्टर नंबर 6 इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।